क्यों नहीं तमाम दलों के सुझाव इसमें लिए गए। शुरू में भी जब ये जनगणना शुरू भी हुई थी उस वक्त भी हम लोगों ने आशंका जाहिर की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, किसी से राय मशवरा सुझाव लेना वो ज़रूरी ही नहीं समझते। इसका स्वरूप इतना कमज़ोर तैयार किया गया है कि सरकार अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष मजबूती से रख ही नहीं पाई। सरकार की मंशा रहती तो सर्वदलीय बैठक इसके ऊपर बुलाती, ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है भैया। क्योंकि एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास एक विपक्ष का घटक दल कर्नाटका में कर रहा है, तो इसीलिए बाकी के भी जो विपक्ष के दल हैं वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इसीलिए भैया बिहार में भी तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या लोकतंत्र की सरकार चला रहे हैं। जातीय गणना पर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया तो तमाम लोग अपनी अपनी राय भी देना शुरू कर दिए, पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग। तो अब लोजपा राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का भी बयान आया हुआ है, उन्होंने भी अपनी राय दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान का क्या कहना है जातीय गणना को लेकर के, आप सुन सकते हैं उनकी जुबानी। कि जल्दी सुनवाई हो भाई, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, और ऐसे दल जो इसका समर्थन करते हैं क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्यों नहीं तमाम दलों के सुझाव इसमें लिए गए। शुरू में भी जब ये जनगणना शुरू भी हुई थी उस वक्त भी हम लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, किसी से राय मशवरा सुझाव लेना वो ज़रूरी ही नहीं समझते। और यही संभवतः कारण होगा कि इसका स्वरूप इतना कमज़ोर तैयार किया गया है कि सरकार अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष मजबूती से रख ही नहीं पाई होगी, और परिणाम स्वरूप न्यायालय ने इसके ऊपर अंतरिम रोक लगा दी है। अब देखते हैं कि भाई अब आने वाले दिनों में सरकार की मंशा अगर रहती तो इसको और मजबूती से करती ना। सरकार की मंशा रहती तो जितने भी दल जो समर्थन कर रहे हैं सबको साथ में लेती। सरकार की मंशा रहती तो सर्वदलीय बैठक इसके ऊपर बुलाती, ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है भैया। मुख्यमंत्री दिखाते कुछ और है, चाहते कुछ और है। 500 करोड़ जो व्यक्ति बिहार को एकजुट नहीं करे वो विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं। बिहार में बंटवारे की राजनीति कौन करता है भैया? किसने दलित को महादलित किया? किसने पिछड़ा को अति पिछड़ा किया? कौन अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है? कौन लव कुश कोरी कुर्मी की राजनीति कर रहा है? कौन महिला पुरुष की राजनीति कर रहा है बताइए? तो जो बिहार को एक नहीं रख पाए, जो बिहारियों को एक नहीं कर पाए, वो आज विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। हास्यास्पद है भैया। और कैसे विपक्ष इनके नेतृत्व में एकजुट होगा? कौन सा मॉडल है इनके पास भैया विपक्ष को एकजुट करने का? कौन सी सोच है इनके पास विपक्ष को एकजुट करने की? और कभी गलती से कोई विपक्ष इनके साथ आ भी गया तो देश की जनता क्यों जाएगी इनके साथ? बिहार में कौन सा ऐसा मॉडल ये खड़ा किए हैं भाई? क्या बताएंगे देश की जनता के सामने जाके कि बिहार में एक दिन में इतनी हत्याएं हो रही हैं तो देश भर में हम इतनी हत्याएं करवाएंगे, या बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो देश भर में हम लोग इतने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कराएंगे, या बिहार में जहरीली शराब से इतनी मौतें हो रही हैं तो देश भर में शराबबंदी लागू करके हम लोग इतनी मौतें करवाएंगे? क्या मॉडल है इनके पास भाई? जिनके प्रदेश में पुल हवा से गिर जाते हों, जिनके प्रदेश में चूहे बांध चूहे कुदर जाते हों, उस प्रदेश का कौन सा मॉडल मुख्यमंत्री जी लेकर जाएंगे जहां पे हर जात पात धर्म मजहब के लोग आज की तारीख में सड़क पे हैं, और हर समस्या का समाधान जिनके पास लाठी हो तो उनको देश अपना नेतृत्व क्यों स्वीकार करने देगा बताइए? आपकी सरकार है, करके दिखाइए, हिम्मत है तो करके दिखाइए भाई। किसी भी संगठन को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है। मैं बार बार मैं यही कहता हूँ, क्या सही में ज्वलंत विषय समाप्त हो गए हैं कर्नाटका में? क्या और कोई विषय नहीं रहा विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस के पास कि भाई आप इस तरीके के विषय को आप उठाएंगे? क्या कर्नाटका में बाकी तमाम समस्याओं का समाधान हो गया और आज आपको कर्नाटका सुनाई दिया तो तुरंत यहाँ पर विपक्ष के लोग शुरू हो गए कि भाई बिहार में भी? घटना बताइए ना, किस आधार पर आप ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं भैया? क्योंकि एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास एक विपक्ष का घटक दल कर्नाटका में कर रहा है, तो इसीलिए बाकी के भी जो विपक्ष के दल हैं वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इसीलिए भैया बिहार में भी इसको बैन कर दिया जाए। कुछ आधार है किसी चीज़ को बैन करने का, या आए गए कल को जो आपका मन करेगा आप करेंगे? तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या लोकतंत्र की सरकार चला रहे हैं? इस तरीके से अगर तानाशाही है तो सही मायनों में जो मुख्यमंत्री बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या मुख्यमंत्री जी इसको बोलते हैं जहां पे किसी भी संगठन को
बैन करने की सिफारिश कर दी जाती है, आपके दल के नेताओं के द्वारा मांग उठा दी जाती है बिना किसी आधार पे, इसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या 2017 में आपने की थी जब जनादेश का आपने अपमान करके आपने दूसरी वैकल्पिक सरकार बना ली थी और 2015 के जनादेश का अपमान किया था। लोकतंत्र की हत्या आज आप कर रहे हैं। जनादेश NDA के लिए था, महागठबंधन के सरकार के साथ आप सरकार चला रहे हैं। ये तमाम परिणाम, ये तमाम प्रमाण हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, कैसे नीतीश कुमार जी की लोकतंत्र विरोधी सोच रही है। सुना आपने, चिराग पासवान का कहना है कि सरकार को जातीय गणना करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, सबकी राय लेनी चाहिए थी, उसमें क्या कुछ विशेष करने की जरूरत है ये सब जानने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और इसी पक्ष के कमजोर होने के कारण उसने हाई कोर्ट में सही तरीके से अपने पक्ष को नहीं रख पाया और फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। तो जातीय गणना को लेकर के तमाम तरह के सियासी हलचल जारी हैं, हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको रोक दिया है, तो अब पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में उलझे हुए हैं, तमाम तरह के बयानबाजियां शुरू हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि जातीय गणना तो शुरू से ही हम लोगों को पसंद है, हम लोगों ने समर्थन किया इसका, लेकिन सरकार को चाहिए था कि सर्वदलीय बैठक बुलाते और सबकी राय लेते और उसमें क्या कुछ खास करने की जरूरत थी इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत थी और तब जाकर के सब कुछ बेहतर होता। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ, तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।